Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another video. I hope आप सब खैरियत से होंगे. आज आपके लिए एक और बजट कार लेकर आया हूँ. That is 660cc कार, 660cc इंजन के साथ है ये गाड़ी. तो आज देखते हैं यार कि आज कौन सी गाड़ी हमारे पास. This is another model of Suzuki Alto. तो जापानीज का आप रिव्यू देख चुके हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई अपलोडिंग दिस रिव्यू ऑन दिस चैनल. ये भी जापानीज मॉडल ही है लेकिन ये दिस इज सुजुकी ऑल्टो. फ्रंट पे आप देख सकते हैं कि सुजुकी का एम्बलम लगा हुआ है. कोई फैंसी कुछ और नहीं है, कोई क्रोम बेल नहीं, प्लास्टिक का आप देख सकते हैं डिज़ाइन है. स्क्वायर टाइप से इसकी बॉक्स नुमा है. इसकी जो है लाइट का हेडलाइट का डिज़ाइन है. अंदर आपको हैलोजन लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं. दिस पर्टिकुलर मॉडल इज़ 2007 मॉडल, जो कि 2014 इंपोर्ट है. 2007 मॉडल है, 2014 इंपोर्ट है. टायर मैं आपको दिखाता चलूँ. इसके बेसिक टायर हैं, कोई व्हील कैप्स वगैरह इंस्टॉल नहीं सुजुकी. तो लोगों आप देख सकते हैं साइड पे आपको विंडो मिल जाती है, जो कि बॉडी कलर नहीं है. जो आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की है, बॉडी कलर से मैच नहीं करते है. इंडिकेटर आपको मिल जाता है, कोई इंडिकेटर आपको मिरर के ऊपर नहीं मिलेगा. बेसिक आपको ये मिरर मिलता है. साथ आपको ब्लैक कलर के जो है डोर हैंडल मिलते हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल्स नहीं मिलते हैं आपको. अगेन कमिंग है तब आया कि आपको इसी तरह पीछे आता जाऊँ तो थोड़ी टेल लॉन्ग टेल लाइट डिज़ाइन की जो है इसका बैक लाइट डिज़ाइन है. साथ ऑल्टो सुजुकी विंडशील्ड वाइपर आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है. और पीछे आपको ये नोजल भी मिल जाती है अगर आप देख सकें. तो ओवरऑल ये गाड़ी कुछ इस तरह लक्की लगती है. दिस इज़ सुजुकी ऑल्टो 2007 मॉडल. आप देख सकते हैं ओवरऑल डायमेंशन और गाड़ी जो है हैचबैक कार है. चलते हैं अब इस गाड़ी के अंदर, आपको इस बारे में बताते हैं इसके बारे में. ओके, जो राइट नाउ इन द कार, सबसे पहले मैं आपको इंप्रेशन देना चाहूँ. प्लास्टिक है, आप ये देख सकते हैं. प्लास्टिक इज़ नॉट दैट गुड, लेकिन ऑप्टिमल है, प्लास्टिक अच्छा है. और एक हैचबैक से जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो ये होगा कि अच्छा प्लास्टिक आपको दे सकते हैं. वो चीप प्लास्टिक नहीं देंगे, ज़्यादा आप चीप प्लास्टिक नहीं है. आपको ये बीच कलर की जो है इंटीरियर मिलता है अगर आप देख सकें. फ्रंट पे आपको बेसिक आपको स्टीयरिंग मिलता है, कोई लेदर स्टीयरिंग नहीं है आपको. लेकिन एयर बैग देखने को मिल जाता है, जो कि बड़ा अच्छा सेफ्टी फीचर है. आपको एक एयर बैग स्टीयरिंग भी मिलेगा, आपको एक एयर बैग आपको डैश पर मिलेगा. डैश कुछ इस तरह का बेसिक डैश, जिसके अंदर AM/FM रेडियो देखने को मिल जाता है. हैजर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं. देन आपको यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, AC मिल जाता है आपको. नीचे आपको चार्जिंग डॉक और क्या नाम है ये सिगरेट लाइटर मिल जाता है आपको. यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं कोई चीज़, कोई कप वगैरह रख सकते हैं. देन आपको गियर नॉब मिल जाता है, दैट इज़ बेसिकली एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. इसके अलावा डैश ट्रे आपको मिल जाता है. डैश की बात करूँ तो आपको एक छोटा डैश मिल जाता है. साइड से दरवाज़ा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लगता है. बेसिक आपको रोटेटेबल विंडो मिलती है आपको, यानी कि कोई रिट्रैक्टेबल ऑप्शन नहीं मिलता. विंडो कंट्रोल आपको कोई नहीं मिलता रिट्रैक्टेबल. और इसके अलावा आपको ये डोर से ऐसे आपको नीचे करके होल्डर से करने पड़ेंगे. आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है, RPM मीटर भी नहीं मिलता. आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है. इसके अलावा आपको दरमियान में सर्कुलर दो एयर बैंड्स, वन एट द राइट आपको एक मिल जाता है और वन एट द लेफ्ट मिल जाता है. ओवरऑल डैश जो है डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, यानी कि 660cc कैटेगरी के गाड़ी के लिए. फ्रंट ड्राइवर साइड पर कोई आपको जो है मिरर नहीं मिलता. आपको लाइट मिल जाती है दरमियान में, लेफ्ट पर आपको कोई शेड नहीं मिलता. सीट की बात करूँ तो हेडरेस्ट इसके अंदर इंस्टॉल है, यानी एक बेसिक सीट है. लेकिन अगर आप मेरा सीटिंग पॉस्चर देखें तो आई एम सीटिंग कंफर्टेबली, कोई मसला नहीं है. यानी सीटिंग पॉस्चर के लिहाज से जो है गाड़ी ठीक है, आई एम सीटिंग कंफर्टेबली. बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक है. पीछे आपको एक कप होल्डर देखने को मिल जाता है. यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है. एंड देयर इज अ गियर नॉब एंड नथिंग फैंसी अबाउट इट. चलते हैं हम इसकी बैक सीट पर. ओके जी, बैक सीट पर अब मैं जा रहा हूँ. बैक सीट पर मैं आ चुका हूँ. और हेड स्पेस की बात करूँ, काफ़ी अच्छा हेड स्पेस है, आप देख सकते हैं.
कि नॉट टचिंग द रूफ हेड और लेग्स पीस भी काफ़ी ठीक है. सीटिंग पॉस्चर जो है पीछे इतना ख़ास नहीं है, कंजेस्टेड होकर बैठ सकते हैं, दो एडल्ट्स पीछे बैठ सकते हैं और बच्चा नहीं बैठ सकता साथ, क्योंकि जो सीट है इसकी काफ़ी कंजेस्टेड सी है. और इसको यानी क्या इस तरह मुझे महसूस हो रहा है कि लगे आई एम सिटिंग इन बुलान. फिर मैं पर्सनल रिव्यूज़ और मैं ये समझता हूँ कि पिछली सीट पर दो एडल्ट्स बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा बंदे नहीं बैठ सकते. और बेसिक सीट है, नथिंग फैंसी अबाउट इट, सो आई एम नॉट टॉक अबाउट इट. और इसके अलावा आपको वही पीछे इंटीरियर देखने को मिलता है, आपको रोलिंग विंडो मिल जाती है, आपको स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है, आपको अलबत्ता कि आपको सीट बेल्ट ज़रूर देखने को मिल जाती है. और पीछे से जो है कुछ इस तरह का देखने को मिलता है आपको इंटीरियर, नथिंग स्पेशल. यहाँ पर भी वही चीज़, सो हियर्स अ ट्रंक्स पे आप देख सकते हैं पीछे से इसका शेप कैसी लगती है, ओपन वगैरह कर शेप आप देख सकते हैं, क्योंकि इधर इनफ स्पेस नहीं है तो मैं आपको ट्रंक स्पेस जो है अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ. सो ट्रंक स्पेस इज़ मिनिमम, आप कुछ बैग्स यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं आप, या सोदा सेल्फ के लिए जो है आप सामान काफ़ी स्पेस है आप कर सकते हैं. इसके अलावा यानी कि मेजर स्टोरेज कोई नहीं है, आप ज़्यादा वज़न इस गाड़ी के अंदर नहीं रख सकते. सो एंट्री उतरना वगैरह और ये मैन्युफैक्चरिंग अगर मैं आपको गाड़ी की बताऊँ तो काफ़ी अच्छी है, इट्स विद इट सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं. इंटीरियर और डोर आप देख सकते हैं, इसका विंडशील्ड वाइपर भी उन्होंने आपको इसके अंदर दिया हुआ है. और अंदर से आकर जो है इस तरह का एटमॉस्फेयर है. अगेन मैं बताता चलूँगा, आप थोड़ी सी स्टोरेज कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर, स्टोरेज ठीक है, लेकिन जो सिटिंग इनकी पोजीशन है गाड़ी की वो ठीक नहीं है. तो अदरवाइज 660 सीसी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनफ पावर, इतनी पावर है कि आपको लीटर के अंदर आपको फ्यूल कंजप्शन इसकी जो है काफ़ी अच्छी है, यानी कि आपको एक लीटर के अंदर आपको ये 16-17 से ले कर 20-22-23-24 किलोमीटर तक आपको पर लीटर ये गाड़ी दे सकती है. तो और क्या चाहिए आपको, यानी कि अगर आप फ्यूल कंजप्शन के लिए गाड़ी चाह रहे हैं फिर ठीक है, अगर आप स्टूडेंट के लिए गाड़ी लेना चाह रहे हैं फिर ठीक है, और फैमिली कार नहीं है गाड़ी, मैं अगेन रिपीट करूँगा दिस इज़ नॉट अ फैमिली कार, तो डेफिनेटली अगर फैमिली के लिए चाह रहे हैं तो ये गाड़ी मत लीजिएगा. दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वैसे कैजुअल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये है. और दिस इज़ 2007 मॉडल, 2014 इम्पोर्ट, और दिस कार विल कॉस्ट यू अराउंड 7,50,000 रुपीज़. अब इसका इंजन हम चेक करते हैं. ओके जी, अब मैं फ्रंट पर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं वैसे बॉक्सी रोबा इसका डिज़ाइन है, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन अगर आप देख सकें ऑल्टो की कंपेयर करें. जापानीज वेरिएंट जो है काफ़ी अग्रेसिव देखने में लगता है, दिस इज़ अ वेरी नाइस डिज़ाइन और प्रीवियस डिज़ाइन इस पर काफ़ी इंप्रूवमेंट है. जापानीज कार है तो इट विल ब्रिंग यू अ लॉट मोर हैप्पीनेस, और अगर आप पैसे इस पर करते हैं खर्च तो आई थिंक दैट वुड बी वर्थ इट. यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे विद वन हैंड, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सीन होता है वैसे, लेकिन ओके. सो ये है इसका इंजन विच इज़ 660 सीसी इंजन. स्पेक्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये इसकी स्पेक्स है. साइड पे आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर AGS की बैटरी इंस्टॉल्ड है एंड एवरीथिंग. कार इज लिटिल डर्टी राइट नाउ, लेकिन आप ये देख सकते हैं इंजन इसका. अगेन आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह देख सकते हैं. ओके जी, देख सकते हैं द कार इज नाउ स्टार्टेड, दिस इज 660 सीसी इंजन, और आवाज से गाड़ी आप देख सकते हैं कार हैज इनफ पावर टू मूव ऑन. ओके जी, लेट्स स्टार्ट द कार. और चलते हैं अब इसका क्लाइमेट कंट्रोल में आपको चेक करवाता हूँ. यू कैन सी फैन टर्न ऑन, तो काफ़ी अच्छा फैंस का अगर आप देख सकें तो 660 सीसी कार है, लेकिन आपको पेट्रोल का ध्यान रखना है इस गाड़ी के अंदर और गाड़ी की मेंटेनेंस आपको करवाते रहना है. अब हम करेंगे यहाँ से एसी ऑन. अब इस गाड़ी का आप देख सकते हैं एसी ऑन हो चुका है, सफिशिएंट थ्रो है इसका. तो आप यहाँ से आप क्लाइमेट कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर ला के आप डिफरेंट मोड अभी दे सकते हैं. ये हवा इसने चेंज कर दिया, अब ये चेंज कर दिया. सो क्लाइमेट कंट्रोल इज़ वेरी 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 गुड. सो इफ यू वांट टू परचेज दिस कार
चेक आउट राजा मोटर्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें अपने कम्युनिटी मेंबर बढ़ाने हैं। अगर आप में से कोई एक बंदा वीडियो देख रहा है तो अपने भाई से, दोस्त से, उनको बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो आ सकें, इस चैनल को देख सकें, लाइक कर सकें वीडियो को, ताकि जो है हम अपने कम्युनिटी मेंबर जो है बढ़ा सकें। सो आपको इसका मैं साउंड सुना देता हूँ, एक मिनट। सो या टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब एंड विल सी यू सून।